हमारे पास उम्मीदवार मौजूद है और एक नहीं बल्कि चार चार पांच पांच उम्मीदवार है जैसा बसपा का सर पूरे तो हो गया ना और उसके बाद ही इंशाल्लाह होता रहा हूँ इलेक्शन में इसलिए जरूर लड़ूंगा क्यों नहीं लड़ूंगा अगर आसिफ भाई बोले लड़ना है वो इंसाफ आपको तो जरूर लड़ूंगा सर कहाँ से लड़ेंगे आप लड़ेंगे महाराष्ट्र में तो बात का बात देखा जाएगा लेकिन अभी फिलहाल का मौका हमारा यहाँ पर तमाम चीजें तय करने के बाद ही तय किया सर जैसा बसपा का संगठन है जैसा आपका भी यहाँ पे संगठन अच्छा है क्या यकीनन हमारा संगठन ग्रामीण रूरल एरिया में और इसीलिए तो हम यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सर लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे नहीं मतलब जुनूब शुमाल वंचित आघाड़ी भी बहुत ज़्यादा लेवल पे उतरी है इन्होंने नांदेड़ में भी है ना उन्होंने क्या बोलते उम्मीदवार जाहिर किया आपको साथ मिलाते हैं नहीं वंचित आघाड़ी के हालिया दिनों के जलसे में वंचित आघाड़ी विचित्र आघाड़ी बन चुकी है ये तमाम यहाँ के आवाम के सामने तमाम आरोप आ चुका है इन लोगों का और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो प्रॉपर की लीडरशिप है इस लीडरशिप ने 2017 में ही उन लोगों को मैनेज किया और वो लोग लड़ नहीं सकते मेरा ऐसा मानना है अरे वो तो 2017 में ही हट गए थे जब सैयद मोइन को जेल में डाला गया था अभी तो उनकी बातचीत हो चुकी थी अभी हट गए थे वही तो कह रहा हूँ कि पार्टी का एक वर्कर अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता जब उसके ऊपर जुल्म होता है अत्याचार होता है तो इसके अपने ख्वाहिश होती है अपने ख्वाहिश से अपने लीडर से उसकी उस तकलीफ में वो आएंगे उसका साथ देंगे लेकिन जिस तरीके का मौकूफ असदुद्दीन ओवैसी ने 2017 के बल्दी इंतखाबात में अपने आप को जाहिर किया उससे न सिर्फ सैयद मोइन और एमआईएम के वर्कर्स बल्कि पूरे नांदेड़ और पूरे महाराष्ट्र के मैसेज चला गया कि अशोक राव के उनके अच्छे ताल्लुक मोइन साहब माजी में कई तजुर्बे हुए जिसमें बीएसपी ने और समाजवादी ने भी अपनी उम्मीदवार लड़ी थी लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई तो क्या इस बार ऐसा होगा आपके रहने के बाद यकीनन कामयाबी हासिल होगी उम्मीद पे दुनिया कायम है और संगठन की मजबूती की बुनियाद पर ही हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं समाजवादी पार्टी अगर अपने उम्मीदवार उतारती है पार्लियामेंट में अगर उसकी वजह से समझो कम्युनल वोट सब यूनाइट होते या सेकुलर पार्टी या नुकसान में आते तो असेंबली में लगता नहीं कि आपको इसका कोई नुकसान होगा लोग आपकी इमेज को देख के फिर ये हो जाएगा नहीं ये चीज़ तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जहां पर एसपी बीएसपी का मौकफ उत्तर प्रदेश में मजबूत है तो वहां पर जाकर वोटों को पोलराइज करना या वोट को डिवाइड करने का काम कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है वहां पर हम तो पहले से ही इलेक्शन लड़ते हैं समाजवादी पार्टी अब आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में मजबूत है और हम तो बार बार गए उनको कि ठीक है भैया अगर हम जितनी हैसियत और जितनी ताकत रखते हैं उतनी हमें सीट दे दीजिए लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है कांग्रेस इख्तदार से हाथ धो चुकी है मरकज़ में कांग्रेस इख्तदार से हाथ धो चुकी है पूरे रियासतों में लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का अकड़ कांग्रेस का तकबर कांग्रेस का घमंड और गुरूर कम नहीं हुआ रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए कांग्रेस को नुकसान होगा वो बात अलग है लेकिन उसके नतीजे में आप लोगों को भी असेंबली में भी नुकसान हो सकता है ना आपके अगर इमेज कैसा नुकसान होगा अगर से कुछ ये होता है कि इनकी वजह से तो क्या हम ये तय कर लें कि हम अपना घर जलाकर कांग्रेस के घर में उजाला करें बतलाइए आप तो आप इल्जाम भी लग सकता ना को अच्छा वो जब वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा लेकिन हम यहाँ लड़ रहे हैं तो हम पर इल्जाम लगेगा ये तो वही बात हो गई है हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो खत भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता